बेंगलुरु के बिस्मिल्ला नगर में बीईटी सूफिया हाई स्कूल की इन्वेस्टिचुअर सेरेमनी, जरई शुवाई की एडिटर होली मदर इंग्लिश स्कूल की बानी फरीदा रहमतुल्ला मेहमान खुसूसी। जी हाँ दोस्तों, बीईटी सूफिया इंग्लिश हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने इंतहाई डिसिप्लिन अदब का मुजाहिरा करते हुए इन्वेस्टिचर सेरेमनी में हिस्सा लिया और इस मौके पर मुंतखब स्टूडेंट्स की हलफ बरदारी ओथ टेकिंग सेरेमनी अमल में आई। इस मौके पर फरीदा रहमतुल्ला ने अपने खिताब में तालीम की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि एजुकेशन के जरिए नॉलेज हासिल होगा, नॉलेज के जरिए पावर हासिल होगा और पावर के जरिए तरक्की हासिल होगी, यानी तरक्की डेवलपमेंट का वाहिद जरिया एजुकेशन है। एजुकेशन के बगैर इंसान की जिंदगी एक जानवर की जिंदगी की तरह रह जाती है, लिहाजा हर शख्स हर बच्चा तालीम से आरास्ता हो। मजहब इस्लाम का पहला हुक्म भी तालीम है, एजुकेशन है। इन्वेस्टिचर सेरेमनी के मौके पर मोहतरमा फरीदा रहमतुल्ला का पैगाम। फरीदा रहमतुल्ला ने बीईटी तालीमी इदारे की तरबियत व निज़ाम तालीम की सताइश की, ख़ास तौर पर लड़कियों को तालीम से रोशनास करवाने की बीईटी की कोशिशों पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बीईटी इंस्टीट्यूशन के वर्किंग चेयरमैन अब्दुल मुहिब, सेक्रेटरी सिद्दीक पाशा व दीगर अहदेदारान मौजूद थे। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बीईटी सूफिया स्कूल में आकर बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे पहले तो यहाँ पर जो स्कूल में थ्रूआउट स्कूल हो, कॉलेज हो, पूरी मुकम्मल फैकल्टी, उनमें जो डिसिप्लिन है, खासकर जो स्टूडेंट में एटीट्यूड, बिहेवियर, पंक्चुअलिटी, द वे द मैनेजमेंट ट्रीट्स एंड आल्सो द असातिज़ा यहाँ के हैं, दिस इज एक्सलेंट। मैं सोचती थी क्यों ऐसे हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं, वहाँ पर बच्चों को हर पूरी चीज़ें रिलेटेड टू एजुकेशन मिले वहाँ पर। तो अभी हमने लाइब्रेरी गए तो लाइब्रेरी को देखो, लाइब्रेरी एक्सलेंट लाइब्रेरी, और उसमें बच्चे आते हैं, दे आर पार्ट इन द ट्रेनिंग द स्टूडेंट मेक देम टू स्टडी। बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, मुताले का शौक डालने के लिए उन्होंने लाइब्रेरी में ट्रेनिंग्स को अटेंड किया है। वो आते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, शौक दिलाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, मुताला करते हैं। अब जबकि दिस इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बच्चे मोबाइल के दूसरे पूरे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों के, मोबाइल हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक, हर एक चीज़ बच्चे 24 घंटे द स्टूडेंट्स आर विद दैट। अब जब मैं यहाँ पर देखती हूँ तो कोई भी एक बच्चा के हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी। टेक्नोलॉजी से दोनों फायदे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिस तरह से आप यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं देखती हूँ तो टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव साइड में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है, हमारे वो फार्मर सदर हिंदी रह सके हैं, ये प्राउड सन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने कहा है अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना चाहिए। तो ये बच्चों ने मैंने यहाँ पर देखा, वो शौक को इश्तिया देखा है और साथ ही साथ में भी देखा है। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर इन्वेस्टर सेरेमनी में बच्चों को जिस तरह से उन्होंने पूरा डिसिप्लिन किया था, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को ऐसे ही इन्वेस्टर सेरेमनी नहीं, सिंपल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, हु आर द बेस्ट स्टूडेंट अमंग देम, उनको देख के आफ्टर द वोट एक कैबिनेट, स्टूडेंट्स की एक कैबिनेट और काउंसिल थी, उसको देखकर अच्छा लगा मुझे। और बच्चों का
जो बिहेवियर था, उन लोगों ने जो बात की, उनको वो सब एक एक्सलेंट और बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूशन चाहिए। बेंगलोर में कहूँगी, रियासत कर्नाटक में कहूँगी, और मैं ये कहूँगी यहाँ पर बच्चों को, यहाँ पर बहुत से स्कॉलरशिप जाते हैं जो ज़रूरतमंद बच्चों को, रामनाथ बच्चों को बहुत इमदाद करते हैं। उनका ये मोटिव भी है कि कोई बच्चा ड्रॉप आउट ना हो। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई लड़की ड्रॉप आउट ना हो। अब पहले ये कहा जाता था कि एक लड़की की तालीम एक नस्ल की तालीम है, इसको लेते हुए डीटी के तमाम मैनेजमेंट असातज़ा इस पर काम कर रहे हैं। ये यकीनन इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं समझती हूँ इनको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होना चाहिए। नैक में भी इस मुकाम, इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ये कॉलेज, डिग्री कॉलेज है, पीजी कॉलेज है, इनका रिजल्ट बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। तो बच्चों की मेहनत पर आता है। जब बच्चे मेहनत क्यों करते हैं, बच्चे मेहनत इसलिए करते हैं कि असातिज़ा इनको मोटिवेट करते हैं, उसी लिए बच्चे मेहनत करके अच्छा नाम लाते हैं। जैसे ये हमारे होम के लिए बल्कि होम मुल्क के लिए एक बहुत ही खुशाइन मुकाम है। मैं बीटी इंस्टीट्यूशन को खलूस से दुआएं देती हूँ और मुबारकबाद देती हूँ। ये इदारा क़यामत तक जारी और जारी रहे, इसी तरह मोहल्ले के और तमाम की खिदमत करते रहे, इस एजुकेशन को ये जारी रखे। ये बहुत बड़ा ये ज़रिए तालीम जो इन्होंने इंतज़ाम किया है हर तरह से, हर तरीके से, एक जजाए ये है इसका, ये सिलाज क्या है वो इसका हमेशा जारिया है, सवाबी जारिया का काम है ये। वो सवाबी जारिया यहाँ से हो रहा है, तो बहुत ही मुबारकबाद। दूसरों को भी इसकी तख्लीक करना चाहिए, उसको देखकर इनको मोटिवेट होकर इनको हम लोगों को भी इनका साथ देना चाहिए, आगे काम करना चाहिए। एक बार फिर बीटी सोफिया स्कूल के तमाम जिम्मेदारों को मुबारक। मुझसे बच्चों को बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह distinguished dignitaries on and off the desk, valued guests, management members, campus director, principals of BET institutions, colleagues and my dear students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very happy morning, ladies and gentlemen. A new day heralds a new beginning, and today we are ready to embark on such a vital journey. I, Fauzia Tabassum, deep privilege to host investiture ceremony of BET Sufia High School for the academic year 24-25. We have gathered here this morning to celebrate this investiture ceremony of our school. This ceremony marks the incursion of our new student council leader, who will carry the torch of responsibility to discharge various positions of student council. I am thrilled to welcome you all to the investiture ceremony.
I express a heartfelt gratitude for our esteemed guests and management members. Your presence is greatly appreciated. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض رفعها للأنام والنقل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم year after year, it reminds us of the trust and confidence
that we repose in our newly elected cabinet. First of all, on behalf of school management, we congratulate all the Students' Council for the appointments that you are receiving today. Farida Rahmatullah. I am honored and privileged to have this opportunity to introduce our distinguished chief guest. As Shakespeare says, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Dr. Farida had dreamt and had the courage to pursue those dreams. She has achieved those goals in the upliftment, especially for women and children. Dr. Farida is a native of Chikmagalur district, Karnataka. She moved to Bangalore and pursued her education. She completed her bachelor's arts from NMKIB College and her MA in political science from Bangalore University and MA in Urdu from Dharwad University. She is a writer with two novels and many short story books and has been the creator and editor for Zareen Shuaib, an Urdu monthly magazine published for almost 30 years. Dr. Farida is the founder and principal of Holy Mother's English School, where almost 40% of the children are given free education. The school caters to children of all faiths. Holy Mothers, another school in the Avalahalli slum area, provides free education for children. She founded Al-Huda Women's Welfare Organization to cater to the needs of women for educational needs of deprived children and for the cause of women empowerment. I am humbled with too much respect paid to me. I am totally taken back and surprised. Thank you. I can't
spectrum others. Thank you, sir. Till I start my speech to you with a very short story. A child was looking at the sky. He saw many colorful balloons were flying on the sky. Balloons with many colors. Red color, blue color, green color, white color. Child was observing. But one color was not there, that is black color. Child asked his dad that so many colors balloons are flying on the sky. Why not the black balloon? Why it is lying on the ground? Father said, son, those balloons were filled with helium. Helium is a gas. You know, children, helium is a gas. If you fill the helium gas in the balloon, it automatically starts flying. But son, this balloon is not filled with the helium gas. When we fill this balloon also with the gas or helium gas, it will also start flying. बच्चों मतलब ये है कि बट हीलियम दैट इज एजुकेशन. व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज ए नॉलेज. व्हाट इज ए नॉलेज? नॉलेज इज ए पावर. व्हाट इज ए पावर? व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग टुडे दैट इज द पावर रूलिंग द वर्ल्ड. दैट इज द वर्ल्ड ऑफ द पावर ऑफ द एजुकेशन. दैट्स व्हाई एजुकेशन इज very, very, very important part of the life. Without education, man is just like an animal. इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में सबसे पहली आयत जो उतारी वो है इकरा, यानी पढ़ अपने रब के नाम से. और एक आयत सुरेंद्र सुरेंद्र अल्लाह कलम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पांच बार तालीम की अहमियत का जिक्र किया गया है. और हदीस का मफहूम भी है तालीम हासिल करो. इसके लिए आप सब जहां भी जिस तरफ भी जिस तरीके से भी जहां भी तहां से भी तालीम हासिल मिले, यानी अगर आपको तालीम हासिल करने के लिए सात समंदर पार भी जाना पड़े, यानी चीन भी जाना पड़े, ये बता रहे हैं हम 1400 साल पहले की बात है जब तालीम की अहमियत के बारे में बताया गया था. कमिंग बैक टू चिल्ड्रन, इसीलिए शायर कहता है सुहबते बद से नूह का बेटा छाने पैगंबरी को खो बता. यानी तो कौन नूह अलैहिस्सलाम ये बहुत बड़े पैगंबर नहीं होते, उनका बेटा कनआन है. कनआन जब गलत सुहबत में पा जाता है तो पैगंबरी भी खो बचता है और दुनिया भी उसके हाथ से चले जाती है. इसीलिए सोहबत सबसे अच्छी चीज है, अच्छी सोहबत में रहना चाहिए. और वैसे आप लोगों को सत्तर सारी आउटलाइन को कामकाज में और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी एंड अदर मेंबर हु आर टू बी कंफर्म विद देयर पोस्ट. चिल्ड्रन दिस पोस्ट सो हाउ दे आर इलेक्टेड कैंडिडेट, हाउ दे आर हियर फॉर द टाइम ऑफ द इलेक्शन सेरेमनी. Because their hard work, their dedication, their sincerity, their love towards the cook, their humbleness, their service to the children, their cleanliness, their homework, their class work, their activity, all those things make them the teachers, the organizers to elect and select. That's why these students are here. You are also one of them. All of you children, all of you are the judges. Really, you are all the gems. Only you are supposed to work hard, see that what you are doing. Education is that. कहाँ गया है? ये भी थे अब्दुल कलाम ने कहा है, अब्दुल कलाम जी ने कहा है. He was a former prime minister of India. He was a Nobel scientist. If you want to shine like a sun, light to burn like a sun. ये भी थे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था. भाई है बच्चों, अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो आपको सूर्य की तरह जलना भी सीखना चाहिए. दैट मीन आपका हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है, सिंसियरिटी है, सच बोलना चाहिए, सीधे रस्ते पे चलना चाहिए. पाकिस्तान के बारे में कहा गया है, सबसे पहले मानता है पाकिस्तान.
भाई, पाकी सफर यहाँ का ईमान है, पाकी सफर यहाँ का ईमान है, और हमको झूठ बोलना नहीं चाहिए, खुद से हो जाए, सही रास्ते पर सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। एक वाक्य याद आ रहा है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का, एक खातून आती थी आपके पास एक बच्चे को लेके, कहती है हजरत उमर आप इनकी नसीहत कीजिए, इस बात की नसीहत, मेरा बेटा झूठ प्याज खाता है। आप लोगों को भी मीठे से बहुत मोहब्बत है ना, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने कहते हैं ये काम कीजिए, आप इस बच्चे को कल सुबह में लेके आइए। तो खातून चले जाती हूँ, फिर दूसरे सुबह लेके आती हूँ, तो अच्छा बात है आज मेरे बच्चे की नसीहत कीजिए दूध मत खाए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह फरमाते हैं बेटे दूध प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये खातून पूछती है आए उमर इस बात को कहने के लिए मुझे ये चिंता आपने क्यों पहन लिया, क्यों आपने मुझे वहां पर जाकर दोबारा आने के लिए कहा। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला कहते हैं बच्चों सुनिए, कल तक मैं भी दूर खाता था, मुझे भी दूर पसंद थी, जब मैं वो चीज कर रहा हूँ तो मैं बच्चे को कैसा नसीहत कर सकता हूँ कि दूर मत खाओ, मैंने कल से दूर खाना छोड़ दिया है, इसीलिए मैं आज बच्चे को नसीहत कर रहा हूँ। तो ये कुर्बानियां थी चिल्ड्रन, वहां से हम आते हैं किसी तथ्य बंद कर देते हैं बच्चे। इसीलिए कल किसान के जो बच्चे हैं नए किसान से आपसे गुजारिश है, विकास मेरे स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर ही आते हैं स्कूल ग्रेजुएशन के लिए, बहुत से बच्चे इतना साल हमारे का स्टूडेंट विकास मैंने सुना रहे कहे के ही मान ब्यूटी सबसे ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन क्लीनलीनेस डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी लॉ फॉलोइंग द पेरेंट्स टीचर एटीट्यूड बिहेवियर एवरीथिंग इज एक्सेलेंट। I congratulate all the teachers and the management and also the students. But the आपको चले गए हैं, अभी बता रहे थे आपके anchor Mr. Leaders are not gone. They are branch educated and building the school. जो स्कूल की चार दीवारी के अंदर बच्चों का मुस्तकबिल चलता है, तो इसके लिए आपको भी आना है, आपके अध्यापक ग्रहण को भी आपके पास इक्वली मेहनत कर रहे हैं, तो आपको आपके अध्यापक ग्रहण के तो आप क्या गिफ्ट दे सकते हैं आपके अध्यापक ग्रहण के लिए। बस आप कुछ नहीं करते, आप अच्छा करिए, अच्छा मेहनत करिए, आउट ऑफ आउट मार्क्स मिले करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत कीजिए, चलना टेबल दूरी, राइट प्रैक्टिस राइटिंग मेक इट परफेक्ट। हम ऐसा ही करते हैं, हमारे स्कूल में बच्चों को अगर पनिशमेंट करना है तो प्लीज राइट 10 times, रिव्यू द पैराग्राफ एंड आस्क देम टू रीड 10 times, दे रीड मैम सच ए बिग राइट पॉइंट आई हाउ कैन यू रीड नो, यू प्रैक्टिस ऑन द ब्लैकबोर्ड, यू प्रैक्टिस ऑन द वॉल, यू प्रैक्टिस ऑन द फ्लोर, वेयर एवर यू वांट टू राइट राइट एंड प्रैक्टिस, देन द चाइल्ड इज परफेक्ट, ही इज एबल टू ब्रिंग फॉर द यूपी 10 out of 10 marks, दैट्स हाउ यू मस्ट प्रैक्टिस। देखो इतना बड़ा बना लिया, ऐसा नहीं इतने काम करिए, इतने काम करो, इसीलिए शायद कहता है मैंने हीरत से किसी ताज की तामीर न दे, मैंने हीरत से किसी ताज की तामीर न दे, दस्ते तारीफ चुक रहा है वो, मैंने हीरत से किसी ताज की तारीफ की तामीर न दे, तेरे घर से तू भी बना कोई ताजमहल, आपको ताजमहल की तामीर देखने की जरूरत नहीं है, आपने भी वो इंजीनियर नहीं, आपने भी वो साइंटिस्ट नहीं, आपने भी वो डॉक्टर नहीं, आपने भी वो एडवोकेट नहीं, यू आर एवरीथिंग चिल्ड्रन, टाइम इज इश्यू,
बार कितना बोलते हैं मुझे यहाँ पर स्कूल कॉलेज में बुलाया गया। आई एम रियली टोटली हम्बल फॉर द रिस्पेक्ट। बहुत शुरू से ही मैं देखती आ रही हूँ पर मेरी भी नहीं है और आई नो आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस स्कूल फॉर दिस बीटी स्कूल बीटी काशी कॉलेजेस एंड ऑल बिकॉज मैं हमेशा खुद को आई वॉन्ट टू सी वन अमॉन्ग द स्टूडेंट। मैं समझती हूँ आई एम द स्टूडेंट। आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज द स्टूडेंट। बहुत सारी दुआएं देते हैं आपके लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए और जितने भी जिम्मेदार यहाँ पर बैठे हैं मैं उनका नाम नहीं ले सकी। क्यों नाम नहीं ले सकी? जान बोल के मैं नाम ले सकती नहीं ले सकती थी। इस पर ये आला मियारी जाते आला हुदों पर रहते हुए अपनी तमाम जिंदगी उन्होंने कौन के लिए वक्त कर दी है। इनका नाम लेना मुझे मुनासिब नहीं लगा इसी मैंने आपका नाम लिया। वंस अगेन आई थैंक मैनेजमेंट स्कूल एवरीबडी। थैंक यू सर। थैंक यू जज़ाकअल्लाह खैर। हाजरीन, आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट डॉक्टर फरीदा रहमतुल्ला साहिबा, फाउंडर हमारे फाउंडर होली मरियम, हाँ होली मदर स्कूल फाउंडर भी हैं, वहाँ के प्रिंसिपल भी हैं, वहाँ के मालिक भी हैं। माशाल्लाह हमारे इस छोटे से प्रोग्राम के लिए हम उनको दावत दी, शॉर्ट पीरियड में दावत दी तो माशाल्लाह उन्हें एक्सेप्ट करके यहाँ को आ गए। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे वकील चेयरमैन जनाब अब्दुल मुहिब साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी ट्रस्टी जनाब करीमुद्दीन साहब, हमारे ट्रेजरर जनाब सैफुल्ला साहब, कैंपस डायरेक्टर, हाई स्कूल के HM और ऑल द टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये आप जो है हाई स्कूल के जो बच्चे हैं एक नसीहत है आपके लिए और कुछ भी नहीं। जो मैम जो भी आप बात करें या नसीहत के तौर पर जो बात किए हैं आपको उस पर अमल करने की कोशिश करें। दैट इज वन फैक्ट। सेकेंड, ये जो भी ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव को जो आप चुने हैं, आप तो वोट डाले हैं ना, चुने हैं ना, जैसा चुने हैं उसी तरीके से उनका इंस्ट्रक्टर भी आप माना जरूरी है। अब जैसे ऐसा हो जाता है मौका आपके जो HM हो, टीचर हो, कहीं मीटिंग पर जाते हैं या कोई और कुछ डिस्कस करने के लिए जो मैनेजमेंट पे के साथ जाते हैं, पास जाते हैं, तो आप जो लीडर जो होते हैं आपके भरोसे पर क्लास कंट्रोल करने के लिए छोड़ कर जाते हैं। मैं देखता हूं कि इंस्ट्रक्शन में जब आपके HM हो या टीचर हो उनको खड़ा के वो चले जाए तो आप समझ रहे हैं कि वही हमारे टीचर हैं। तो अगर के इस तरीके से के इंस्ट्रक्शन को आप मान लिए गए, माशाल्लाह आप में सुनने का और कंट्रोल करने का मुआवजा आ जाता है। दिस इज दर एटीट्यूड, हमारे अफवाह इससे बिना के ऊपर जो है ना हमारा जो किरदार जो है वो बनता है। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे रिप्रेजेंटेटिव को और साथ में आप बच्चों को भी, आपने इनको रोजगार से जिताया है। इसी तरीके से हर बात भी उनकी मानना है, साथ साथ में जो है ना ये आप जो है ना सुनने का और समझने का एक एक ये थे आपके, तो इसे अब जाया मत कीजिए, वेट मत कीजिए। तो आप जो है ना अगर के ये जो भी आपके सामने जो बातें आई मैडम ने जो आपसे किया है इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। ऐसा कहते मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाकर अलहमदिल्ला बिलाल असलामुअलैकुम। मोहतरम सिद्दीक पाशा साहब, आनर सेक्रेटरी, मोहतरम मोहम्मद सैफुल्ला साहब, फार्मर सेक्रेटरी, ट्रेजर,
मोहतरम करीमुद्दीन साहब फार्मर सेक्रेटरी ट्रस्टी जनाब अनीस अहमद साहब कैंपस डायरेक्टर हेडमिस्टर साहिबा और दूसरे असातज़ा, सबसे ज़्यादा जो आज के जलसे में जो है शिरकत फरमा मोहतरमा फरीदा रहमत आई एम रियली हूज ये आनर टू वेलकम फरीदा रहमतुल्ला ग्रेट लेडी हू एक्सेप्टेड अवर हम्बल इन्विटेशन अटेंडिंग पर्सनली एंड ग्रेसिंग दिस ओकेशन. Thank you, madam. मैं बहुत ही मुख्तसर बातों में जो है अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं क्योंकि क्लासेस भी चलना है. आज के इस प्रोग्राम में कई लड़कियों ने इन्वेस्टिगेट प्रोग्राम में हिस्सा लेकर जो है कामयाबी हासिल की है. ये उनकी दिलचस्पी है ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि ये सब जो को करिकुलर एक्टिविटीज गेम्स वगैरह जो होते हैं स्कूल में या स्कूल के सिलेबस में या स्कूल के कैरियर में जो है पार्ट एंड पार्सल लगे हुए चीजें, इसमें हिस्सा लेना भी बहुत जरूरी है. बड़ी खुशी है कि लड़कियों ने जो है क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनकर आज जो कामयाबी हासिल की है ये इनकी दिलचस्पी है. साथ में जो है पढ़ने लिखने में जो है वही दिलचस्पी होनी चाहिए. जैसा कि मोहतरमा ने जो है आपके सामने कई बेहतर जो है मिसालें पेश की, सबसे बड़ी मिसाल तो यही है कि राय हिदायत जो पुराने करीम में जो आयत सबसे पहले उतरी है पढ़ कर रब के नाम से इकरा बिस्मिकल लजी, उसका जिक्र किया, ये बहुत बड़ी बात है. तालीम हम पर फर्ज हो गई, बेहतरीन चीज आपके सामने पेश कर दिया उन्होंने. दूसरा अखलाक के बारे में बताया उन्होंने, अखलाक जो है बेहद जरूरी है. ऐसी मिसाल दी उन्होंने हजरत नूह का बेटा शाने पैगंबर को बेटा, सिर्फ इसलिए कि गलत लोगों के गलत साथियों के साथ मिलकर जो है पैगंबर होना जो है बहुत बड़ी बात है. ये सोच करके जो है हमें फिक्र होती है कि इस तरह से जो है लोग अगर बदकार लोगों में मिलते हैं या गलत लोगों में मिलते हैं तो ऐसी चीजें खो देते हैं, तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए. और दूसरा जो है जो अब्दुल कलाम हमारे सदर मोहतरम रहे हैं वो तो जो है बहुत बड़े फिलासफर भी थे, लिटरेचर भी थे, स्कॉलर भी थे, उनकी कई मिसालें मिलते हैं. एक एक मिसाल अगर पेश करके चले तो वक्त जो है बहुत ज्यादा होना है, मुख्तसर वक्त में बताया नहीं जाता. उन्होंने एक बेहतरीन मिसाल भी दी सूरज की, अगर सूरज बनना है आपको तो आप जो है सूरज की तरह जलना है तभी जो है रोशनी आएगी, वरना नाकाफी चीज आएगी. ये बेहतरीन मिसालें पेश की उन्होंने, ये बेहतरीन चीजें आपको पेश की हमने, तो इसे अमल करना जरूरी है. इसीलिए जो है ऐसे लोगों को बुलाया जाता है कि आपको जो है मोटिवेशन करें, बेहतर मिसालों से नवाजें, ऐसी मिसालें पेश करके जो है आपको जो है आप कामयाबी की तरफ मोड़ने की कोशिश की है. यकीनन आप इस पर जो है ये गौर और फिक्र करें और अपनी जिंदगी में अपनाएं. एक सबसे बड़ी मिसाल यही है कि हर बच्चे में ये चीज आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस कंसर्न एंड कमिटमेंट. कॉन्फिडेंस कंसर्न एंड कमिटमेंट, दीज आर द बेटर इंग्रीडियंट टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग टू मूव फर्दर इन आवर लाइफ. डू रिमेंबर दैट दीज आर द बेटर यूनिवर्स प्रिंसिपल आर इंग्रीडियंट टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग टू अचीव योर टारगेट इन फ्यूचर एंड ऑल्सो फ्यूचर इन द लाइफ. इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए अपनी जगह लेता हूं, लेना चाहता हूं आप गुरु भावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. इट इज करेक्टली बिलीव दैट लीडर्स बिकम ग्रेट नॉट बिकॉज ऑफ देयर पावर बट देयर एबिलिटी टू एम्पावर अदर्स. अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. आई आस्क मी
On behalf of BET and Sufia High School and the entire fraternity of the institution, stand before you to offer a heartfelt thanks to each one of you. First of all, I extend my most sincere thanks to the Almighty Allah for making today's event a resounding success. And deeply grateful to our esteemed chief guest, Dr. Farida Rahmatullah, for gracing this event with your presence and inspiring words that will undoubtedly guide our newly appointed student leaders. I would also extend my gratitude to our working chairman, Mr. Abdul Muhid, Honorary Secretary, Mr. Siddiq Pasha, Trustee, Mr. Sadiq Karimuti, Treasurer, Mr. Mohammed Saifullah. I would also like to thank our campus director, Professor Muhammad Ali, and our principal, Mrs. Pawez Amina, for their constant support and guidance. Finally, I would like to thank our dedicated faculty members, students, and our non-teaching staff for their tireless support. A heartfelt thanks to each one of you for making this event a grand success. Thank you all.